और जैक बोर्ड के स्टूडेंट के भविष्य से खिलवाड़। मैट्रिक और इंटर के फर्स्ट फेज की नहीं हो पाई परीक्षा। फर्स्ट फेज की परीक्षा में करीब 7 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। जैक अध्यक्ष नहीं होने की वजह से फर्स्ट फेज की परीक्षा नहीं हो पाई। सीबीएसई और आईसीएसई ने फर्स्ट फेज की परीक्षा ले ली है। झारखंड में दिसंबर में होने वाली थी परीक्षा। सभी विद्यार्थियों को मॉडल टेस्ट पेपर से तैयारी कराई गई थी। अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से ऑफलाइन परीक्षा लेना संभव नजर नहीं आ रहा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेने पर इस बार देरी हो सकती है। फर्स्ट फेज की परीक्षा नहीं होने से स्टूडेंट और टीचर काफी परेशान है। चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी देखिए, जैक बोर्ड का जो ये रवैया कि अब तक अध्यक्ष नहीं नियुक्त हुआ और उसके बाद देखिए कि अब तो एग्जाम भी नहीं हो पाए। अब पहले जब एग्जाम नहीं हो पाए दिसंबर में इसका वक्त था, वो उस वक्त नहीं हो पाया। अब तो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, अब तो ऑफलाइन एग्जाम वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में तो इन छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। हाँ देखिए आरती, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष नहीं होने की वजह से उसके जो साइड इफेक्ट है वो सामने नजर आने लगा है। देखिए सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, इन दो बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो फर्स्ट फेज की जो परीक्षा है वो उन लोगों ने ले ली है और इसको लेकर के अब झारखंड में लगभग 7 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो फर्स्ट फेज की परीक्षा में बैठने वाले थे। इसको लेकर अब जो शिक्षक है वो काफी परेशान है क्योंकि बच्चे फोन करते हैं कि मैम हम लोग का फर्स्ट फेज का एग्जाम कब होगा। तो ये आप देख सकते हैं तमाम जो शिक्षक हैं वो हमारे साथ न्यूज 11 के साथ अपनी बातों को रखेंगे क्योंकि बच्चे लगातार फोन कॉल करते हैं कि मैम परीक्षा कब होगी और वो उनकी भी परेशानी बढ़ी है और जो शिक्षक है वो भी परेशान है कि कैसे क्या हो। फिर भी हम लोग शिक्षकों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैम अभी मैं देखा कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, अब अभी तक जो फर्स्ट फेज की परीक्षा होनी थी वो नहीं हो पाई, बच्चे क्या सवाल करते हैं? बच्चे पूछते कि एडमिट कार्ड कब हमें मिलेगा और वो ये भी थोड़ा सा भयभीत है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है तो क्या हमारा एग्जाम होगा नहीं होगा, तो ये सवाल वो बार बार कर रहे हैं और बार बार यही पूछते हैं कि कब से एग्जाम स्टार्ट होगा। तो देखिए बच्चे कई तरह के सवाल करते हैं, सर ये एग्जाम दिसंबर में होने वाली थी और अन्य जो बोर्ड है वो इन परीक्षाओं को ले चुका है, झारखंड बोर्ड पीछे रह गया। बच्चे क्या सवाल करते हैं और आप लोग कैसे देखते हैं क्योंकि फर्स्ट फेज सेकंड फेज की परीक्षा अभी भी बाकी है। हमारे यहाँ बच्चों को तो सवाल उठता ही उनका, जो उनका एग्जाम दिसंबर में होने वाला था लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन हम लोग बच्चों को यही समझाते हैं कि इस बार का कोरोना पैंडेमिक जो भी होगा ये बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए और आपका जो एग्जाम प्रिस्क्राइब है अप्रैल में वो होना चाहिए और होगा। और इस साल हमारे लिए सबसे अच्छी बात यही रही, जब पिछले साल की तुलना करें तो पिछले साल हम लोग ऑफलाइन कुछ भी नहीं पढ़ा पाए थे लेकिन इस बीच में कुछ कक्षाएं जो चली तो करीब करीब 60% सिलेबस हम लोग का ऑफलाइन में पूरा हो चुका है। तो देखिए 60% सिलेबस ऑफलाइन में पूरा हो गया। मैम बताइए आप बच्चों को कैसे पढ़ा रही है? हम लोग अभी ऑफलाइन में बहुत सारा क्लास ले चुके हैं, अब कुछ बाकी जो क्लास है उसको ऑनलाइन हम लोग क्लास लेंगे और कुछ बच्चों से पर्सनली भी व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल से बोल रहे हैं कि वे अपनी समस्याओं को बताए। और जितना के माध्यम से बच्चे कनेक्ट हैं टीचर से, मैम बताइए 10-12 की परीक्षा को लेकर एक चिंता आप लोगों को भी है क्योंकि बच्चे डायरेक्ट आप लोगों से बातचीत करते हैं? जी जी बिल्कुल चिंता है हम लोगों को क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं इनका पिछला कुछ भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। पिछले वाले एग्जाम में था कि उनके पास 9th का रिजल्ट था तो उसके आधार पर सरकार ने उनका रिजल्ट बना दिया 10th का। अभी सिचुएशन हमारे साथ ये है कि इनका 9th का कोई एग्जाम भी नहीं है, 9th में भी ऐसे ही प्रमोट हुए, अब 10th में उनको क्या
किस बेसिस पर सरकार उनको प्रमोट करेगी, ये हमारे पास आधार ही नहीं है। तो देखिए एक परेशानी ये है, पिछली बार जो रिजल्ट दिए गए थे और 9th का आधार बनाया गया था और अभी जो 10th में बच्चे हैं उनका 9th में एग्जाम नहीं हुआ है तो आधार क्या होगा, ये एक बड़ा। और एक दो शिक्षक के जरा बात कर, मैम बताइए कैसे क्या हो रहा है। अंजनी देखिए हमारे पास वक्त की कमी है थोड़ी सी, तो हम बाद में भी और ले लेंगे राय कि क्या कुछ कहना चाहते हैं शिक्षक। फिलहाल देखिए जो भी शिक्षक और बच्चे कह रहे हैं उनके सामने तो ये समस्या है ही कि जब फर्स्ट फेज की परीक्षा नहीं हो पाई तो ऐसे में बड़ी मुश्किलें सामने होने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये परीक्षा दिसंबर में होनी थी लेकिन अब जनवरी में भी परीक्षा नहीं हो पाएगी, ऐसे पूरे आसार नजर आ रहे हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।